हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। बुटनेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाने के लिए ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई ली है 14 इंच, शोल्डर 7 इंच, आर्म होल 7 इंच, सीना 11.5 इंच एंड कमर के लिए 11 इंच लिया है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर 3.5 इंच। गले की लंबाई के लिए 10 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद ऊपर के साइड से एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर और इसे कुछ इस तरीके से बोटनेक का शेप दे देंगे। अब देखिए, इसी के नीचे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है और यहाँ से हमें 1 इंच पर कुछ इस तरीके से ये मार्क करते हुए सीढ़ी नुमा डिजाइन बना लेनी है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने 1-1 इंच पर ये मार्क करते हुए सीढ़ी नुमा डिजाइन बना लिया है और अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर ये पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें ये अस्तर को रखना है और ये जो हमने डिजाइन गला बनाने के लिए डिजाइन बनाई है एज इट इज इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी। इसके बाद हमें बाहर के साइड से पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा कट करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने 1 इंच के लगभग एक्स्ट्रा कट किया है पेपर पेस्टिंग और अंदर की तरफ से हमने ये जो डिजाइन बनाने के लिए मार्किंग की थी वहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर डिजाइन को कट कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले हम मेन फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रखना है और अस्तर के ऊपर हम पेपर पेस्टिंग को रखेंगे। आप चाहें तो सबसे पहले अस्तर के ऊपर पेपर पेस्टिंग को चिपका भी सकते हैं प्रेस से, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं चिपकाया है। हम डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। इसके बाद देखिए, हमें इसमें पिन लगाकर इसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है ताकि पेपर पेस्टिंग और मेन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा ना हिले। इसके बाद हमें गले को सिक्योर कर सिलने के लिए गले की तरफ से इसमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगानी है। नीचे की शर्ट ये जो हमने डिजाइन कट की है बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग देखिए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें अच्छे से लगानी है ताकि हमारा मेन फैब्रिक, अस्तर और पेपर पेस्टिंग तीनों पे अच्छे से सिलाई लगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसे अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते आना है। गले में सिलाई लगाने के बाद ये अंदर का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसे हम कट कर लेंगे। इसे बीच में से भी कट कर लेंगे। देखिए, सारे एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं। कॉर्नर में कट हमें यहाँ से लगा लेना है। दोनों साइड हमें इसी तरीके से कट लगा लेना है इसमें। इसके बाद देखिए, हमें अस्तर को अंदर की तरफ पलटना है और इसके कॉर्नर्स को अच्छे से निकालते हुए इसे पलटकर सीधा कर लेना है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर इसे प्रेस भी कर सकते हैं तो आपको ये फिनिशिंग वाली सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ पर ये सिलाई लगा कर रेडी करेंगे इसे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से हमने इसे पहले डिजाइन में कट किया था उसी तरीके से हम इसमें सिलाई लगाते आएंगे। बहुत ही फिनिशिंग से ये नेक हमारी बनके रेडी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारा ये गला बनके रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें एक साइड से सिलाई करेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को पलटना है और सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे।
इसके बाद हमें इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है कुछ इस तरीके से, और इसके बाद पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगाते हुए रेडी कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी कमर पट्टी भी लग के रेडी हो जाएगी इसमें। अब हम इसमें बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हमें इंची टेप को बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पर रखना है और दोनों साइड हमें 4.5 इंच पर टक्स के लिए निशान लगा लेना है। टक्स की लंबाई भी हम यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे। और देखिए इसे कुछ इस तरीके से जो हमने टक्स के लिए मार्क किया है यहीं से पलटते हुए हम इसमें बैक टक्स की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी बैक टक्स की सिलाई लगा लेनी है। देखिए तरीके से रेडी है, इसे साइड में करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर का कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई रखी है 11 इंच, चौड़ाई 4.5 इंच। इसे कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से पलटेंगे और इसके दो किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये जिस साइड ओपन है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इसके कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर देंगे और इसे पलटकर हम सीधा करेंगे। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ये एक और फैब्रिक का पीस लिया हुआ है, साथ ही में एक बटन लिया है। बटन को फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसे किसी भी टाइट धागा से अच्छे से बांध देंगे। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फैब्रिक बटन बनके रेडी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये ब्लाउज का कपड़ा लिया है 2 इंच चौड़ा, इसे दोनों तरफ से पलटते हुए एक तरफ बार और पलटेंगे और सिलाई लगा कर एक पट्टी रेडी कर लेंगे। अब देखिए जो हमने पहले चौकोर पीस सिल के रेडी किया था इसके बीचों बीच सेंटर से छोटे छोटे से चुन्नट बनाएंगे और ये जो पट्टी रेडी की है पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और पट्टी के नीचे की तरफ से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। ये हमारा छोटा सा क्यूट सा बो बन के रेडी हो चुका है, इसे भी हम साइड में करेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज के ऊपर के साइड ये देखिए हमारे दोनों पार्ट अभी ओपन है, तो इन दोनों को हम आपस में अच्छे से सिल देंगे। 3 से 4 बार हमें अच्छे से सिल देना है। इसके बाद हमें लेना है बटन, ये जो हमने रेडी किया है, और इसके बीचों बीच सेंटर में ऊपर की साइड इसे भी हम टक कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर बटन को टक कर दिया है। नीचे के साइड हमने ये जो बो बनाकर रेडी किया है बो को अटैच कर देंगे हम इसमें। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा बो बनाकर रेडी किया है इस ब्लाउज डिजाइन को। आप चाहे तो इसमें गोल्डन कलर या अपने मनपसंद कोई भी लेस भी लगा सकते हैं, उससे हमारे ब्लाउज का लुक और भी ज़्यादा खिल के आएगा। ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।